इतने अंडरस्टैंडिंग भाई बहन की जोड़ी देखकर हमें ट्रेलर में तो बहुत ही मजा आ रहा है. टेल अस कितना मजा आया आप लोगों को शूट करते हुए. बहुत ज्यादा मजा आया. हद से ज्यादा मजा आया. और उम्मीद करते हैं कि हमें जितना मजा आया शूटिंग करने में उतना ही मजा आएगा ऑडियंस को इस जोड़ी को देखने में और शो को देखने में. बढ़िया केमिस्ट्री है. आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. ऑफ कोर्स ऑडियंस नीड्स टू जज एंड आर द बेस्ट जजेस. बट आई थिंक ऑन द जॉब यू नो बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री बनी और बहुत ही मज़ेदार सीन्स शूट हुए. और मैं तो बचपन से लारा का फ़ैन हूँ. मैं और मेरे दोस्त सारे बचपन से मतलब टीन्स जब मैं हम मिड टीन्स में थे तब और जब मैं ऑलमोस्ट 20 होने वाली थी तब. इतना फर्क नहीं है जितना आप बता रहे हैं. फिर भी नहीं तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था. मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था. एंड मैं काफ़ी नर्वस था क्योंकि मेरी जो इमेज थी लारा की वो एक सुपरस्टार की थी. इतने सारे फिल्में इतना एक्सपीरियंस तो इतना बड़ा पति महेश. नहीं तो मैं नर्वस था लेकिन लारा ने वो बिल्कुल ऐसी एक चीज़ मतलब वो था ही नहीं कि कुछ इंटिमिडेट हुआ हूँ मैं या बिल्कुल नहीं. बहुत ही इजी गोइंग कोऑपरेटिव टीम प्लेयर हैं एब्सोल्युटली. और आई थिंक दोनों में गिव एंड टेक बहुत ही बढ़िया रहा. आई थिंक हम इतने ईगर थे हमारे किरदारों को लेके और इतने इन्वॉल्व थे कि आइडियाज सजेशंस नॉन स्टॉप थे यू नो. और वैसे ही केमिस्ट्री बनी और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया शूट करने में. और इंशाल्लाह लोगों को भी पसंद आए हमारी केमिस्ट्री और शो. आई थिंक ये भाई बहन की जो इक्वेशन है बहुत बार स्क्रीन पे पहले भी प्रस्तुत की हुई गई है लेकिन नॉर्मली एक बहुत ही यू नो स्टीरियोटिपिकल टाइप की भाई बहन का एक रिश्ता हमेशा दिखाया गया हुआ है जहाँ पे यू नो बहन राखी बांधती है भाई उसे प्रोटेक्ट करता है यू नो या बहन की रेप हो जाती है और भाई बदला लेने के लिए निकलता है. आई थिंक लायंस गेट और कुणाल कोहली जी ने एक अलग तरीके से एक नए नज़रिए से इसी सेम रिलेशनशिप को इस बार इस तरीके से इस शो के दौरान प्रस्तुत किया है. और आई थिंक जितने सारे सिबलिंग्स हैं जिनके भाई हैं जिनकी बहनें हैं वो अगर इस शो को देखेंगे और वसुधा और अखिल के किरदार को देखेंगे तो आई एम श्योर उनको लगेगा कि हाँ मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ या भाई बोलेगा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन हमें ऐसी टाइप की एक रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे वो सिर्फ भाई बहन ही नहीं है एक दूसरे के सबसे बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं. एब्सोल्युटली. और उनकी लाइफ स्टोरी भी जो है उनकी जो बॉन्डिंग भी है वो उनके पेरेंट्स ने उन्हें काफ़ी मतलब बचपन में थोड़ा सा डैमेज भी किया जैसे हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हाँ सॉरी जब भी हमें अपने पेरेंट्स के बारे में शिकायत करनी है या उनका मजाक उड़ाना है तो हम हमेशा सिबलिंग्स के ना सिबलिंग्स हमेशा एक दूसरे के बीच में ये करते हैं गैंग अप हो जाते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ. तो ये भी एक अखिल और वसु हमेशा एक दूसरे के लिए एक दूसरे के नंबर वन सबसे बड़े सपोर्टर्स और सबसे बड़े पार्टनर्स रहे हैं और यही आप देखेंगे. पार्टनर्स इन क्राइम है. बिल्कुल बिल्कुल. स्टिल इस तरीके के टॉपिक जिस पर यू नो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यू नो खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं या फिर बोलते नहीं हैं कई बार उस तरीके से वर्ड्स भी नहीं यूज करते हैं तो उस तरीके पर कि वैसे टॉपिक पर कुछ लेकर आना और कुछ प्रेजेंट करना कितना अंडरस्टैंडिंग होगा ऑडियंस के लिए. देखिए मैं सोचती हूँ कि ये जो पिछले डेढ़ दो साल जो गए हैं
हम लोग एक ऐसे माहौल से गुजर के निकले हैं जो हमने पहले कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ या देखने भी मिलेगा हमें अपने ज़िंदगी में फ़िलहाल, जहाँ पे हम सब अपने परिवार के साथ में ही लॉकडाउन थे घर के अंदर. मतलब जी 3-4 महीने के लिए हमें, या वेदर हम लोग एक दूसरे से मतलब कनेक्ट करते थे या नहीं, हमें हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि हमें यहाँ इन लोगों के साथ में ही रहना था. आप अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते थे, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नहीं मिल सकते थे, किसी से और दूसरे के साथ में आपका तो कोई कनेक्शन था ही नहीं. तो आई थिंक जब एक ऐसा माहौल आ जाता है जहाँ पे जो आप चीज़ें आप नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कस करते हो, क्योंकि नहीं मैं मम्मी पापा से ये चीज़ नहीं बोल सकती हूँ या मैं अपने फैमिली मेम्बर से, मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, आई थिंक ये शो इसी चीज़ को लेके बहुत ही अच्छी तरीके से इन कॉन्वर्जेशंस को नॉर्मलाइज करने की एक कोशिश की है. हम लोग ना कोई बोल्ड स्टेटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कोई हटके वाला ऐसा कुछ कर रहे हैं. जो भी हमने इस शो के दौरान बात की, जो भी बात की है हमने, ये होता है हमारी जिंदगी में. हम रिलेशनशिप्स में पढ़ते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, वेदर सीरियस हो या कैजुअल हो या जो भी है, ये सब चीज़ें कोई नई चीज़ें नहीं हैं जो हम लोग दिखा रहे हैं. इस जस्ट की एक टबू सी यू नो एक स्टेटस मिल गए इन चीज़ों को कि नहीं फैमिली के साथ ये चीज़ें नहीं बातचीत ऐसी चीज़ें बात नहीं करते हम लोग. तो अगर हम अपने फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं रह सकते, इफ़ वी कैन नॉट बी आवर ट्रू सेल्व विद आवर फैमिलीज, हु आर वी गोइंग टू बी आर ट्रू सेल्व विद? एब्सोल्युटली. यू नो, तो ये एक चीज़ है कि हम कोई बोल्ड स्टेटमेंट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं कि आपके फैमिलीज जो होते हैं आपके फ्रेंड्स भी होने चाहिए, ताकि आप जो भी कहना चाहते हो अपनी फैमिली से आप खुलेआम आराम से कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं. एब्सोल्युटली. लारा ने एक पिछले इंटरव्यू में कहा था, एक कहावत होती है फ्रेंड्स लाइक फैमिली. यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि it could also be family like friends, you know, and that's very important, I think. और जैसे लारा ने कहा, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है. बात करने में शायद नॉर्मल नहीं है, क्योंकि लोग यू नो शर्मा जाते हैं या उनको हिचकिचाते हैं, एम्बेरस हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं. हम सबके साथ होती हैं अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप में, और बात करना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक रिलेशनशिप्स बढ़ती हैं, रिलेशनशिप्स और मजबूत हो जाती है, यू नो, और एक बहुत ही मज़ेदार माहौल बनता है जब आप एक दूसरे के साथ सबके बारे में बात कर सकते हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो यू नो गलतियाँ हो, कुछ भी चीज़ हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी चीज़, ऐसी जो चीज़ें होती हैं आजकल आप देखें कि बहुत सारे यंग टीनेजर्स जो हैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ हैं, बहुत सारे यू नो ये एक नया मैं देख रही हूँ कि ये एक नया फेज़ चल रहा है कि मैं एक पहले ठीक है हम लोग जानते थे कि या मैं स्ट्रेट हूँ या गे हूँ, अभी तो अलग अलग किस्म की चीज़ें आ गई है भाई, मेरे को तो समझ में ही नहीं आती है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं. लेकिन अगर आप देखें तो ये जो पीढ़ी है, ये जो जनरेशन है, वो खुलेआम बात करते हैं अपने पेरेंट्स से भी. वो हिचकिचाते नहीं है कि उनको लगता है कि अभी मैंने कुछ नए टर्म सीखे हैं, पैनसेक्सुअल और एसेक्सुअल, ये तो मुझे अभी भी फिर समझ में नहीं आते. मैं अपने नीचे से पूछती हूँ कि भाई यहाँ आ जाओ बैठो, ये थोड़ा मुझे समझाओ कि ये होता क्या है. लेकिन वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने आप को लेकर बहुत ही कंफर्टेबल हैं कि ये हूँ तो मैं हूँ, ऐसे हूँ. अगर आपको इससे चीज़ से प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, यू नो. तो उससे पेरेंट्स का भी दिमाग थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, उनकी भी थोड़ी सी सोच एक्सपैंड होती है. तो ये एक नया फेज़, मतलब फेज़ भी नहीं, आई कांट से फेज़ इज़ द रॉन्ग वर्ड, दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड. ये एक नया माहौल है जिसमें हम लोग अब आपकी चॉइस है, या तो आप पीछे की तरफ जा सकते हो, अपने जगह में डटे रह सकते हो, या वक्त के साथ आगे बढ़ सकते हो. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. बट यू नो बीइंग अ मदर एंड
in real life and playing a mother on screen kitna help karta hai you know no it does help but of course main I think this is the first time that I'm playing a mother to such a aged child to of course when I was approached for the show also jab unhone kaha tha ki nahi lekin aapki beti 17 18 saal ki thi mujhe kabhi aise nahi laga ki nahi mujhe itni badi ladki ki maa ka maa nahi banna hai screen pe you know isse meri एज बढ़ जाती है नहीं क्योंकि इस शो में भी जिस तरीके से हमने दिखाया है वसु अपने हाई स्कूल या कॉलेज स्वीटहार्ट से शादी करती है बहुत जल्द उसकी बेटी पैदा होती है तो वो शादी भी करती है यू नो अपने ट्वेंटीज़ में बेटी भी पैदा होती है 21-22 साल में तो जब वसु इस शो में है वो 40 साल की है 39-40 की है ऑलमोस्ट और उसकी डॉटर ऑलरेडी 18 ईयर्स की है तो ऐसे बहुत सारे औरतों को मैं भी जानती हूँ जिनके डॉटर्स उनकी सिर्फ बेटियाँ नहीं हैं उनके फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स भी होती हैं तो यहाँ पे भी के एक अलग जेनरेशन है वो भी चाहती है कि उसकी माँ की ज़िंदगी ख़त्म ना हो कि उस बस अभी वो सेपरेट हो चुकी है अपने हस्बैंड से तो बस मतलब इसका मतलब कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म अभी आप घर में बैठे रहो और अभी मेरी ज़िंदगी शुरू होने जा रही है वो केस वैसे सोचती भी नहीं है वो चाहती है कि उसकी माँ फिर से यू नो प्यार को ढूंढे फिर से यू नो शी हैज़ द चांस ऑफ फॉलिंग इन लव शी डजंट फील कि एक ही आदमी था मेरे ज़िंदगी में और अभी ये नहीं बना तो बस हो गया मैं बैठ जाऊँ चुपचाप And I think that's a wonderful relationship, even between the mother and daughter. Absolutely. Motivated